दशरथ मांझी एक बेहद पिछड़े इलाके से आते थे और आदिवासी एसटी जाति के थे। शुरुआती जीवन में उन्हें अपना छोटे से छोटा हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे जाने के लिए एक पूरा पहाड़ गलौर पर्वत पार करना पड़ता था। उनके गांव में उन दिनों न बिजली थी न पानी। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरत के लिए उस पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। उन्होंने फाल्गुनी देवी से शादी की। दशरथ मांझी को गहलौर पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे अपने पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई और उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी की मौत दवाइयों के अभाव में हो गई, क्योंकि बाजार दूर था, समय पर दवा नहीं मिल सकी। यह बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले दम पर पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकलेगा और अत्री व वजीरगंज की दूरी को कम करेगा। दशरथ मांझी काफी कम उम्र में अपने घर से भाग गए और धनबाद की कोयले की खानों में काम किया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद ये अपने घर लौटे और 360 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा गहलौर की पहाड़ियों से रास्ता बनाने का फैसला किया। इन्होंने अपने काम को 22 वर्षों 1960-1922 में पूरा किया। इस सड़क ने गया के अत्री और वजीरगंज सेक्टर्स की दूरी को 50 किमी से 15 किमी कर दिया। मांझी का प्रयास का मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने गहलौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि इन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा जो भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय है, और इन्होंने इस पहाड़ के पत्थर भी बेचे, फिर भी इनका यह प्रयास सराहनीय है। बाद में मांझी ने कहा, पहले पहले गांव वालों ने मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना देकर और औजार खरीदने में मेरी मदद कर सहायता भी की।